अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की तरफ से ऑनर्स 3+1 की मेरिट लिस्ट जो है वो यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है और कट ऑफ आपका कहाँ तक जा सकता है और इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो इनटेक कैपेसिटी यानी कि सीट कौन सी ब्रांच में कितनी सीट्स हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कर लेना। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फेसबुक पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको भी फॉलो कर दीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो, जो भी नोटिफिकेशन आपके लिए हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप सभी वीडियो देखने वालों को हमारी तरफ से ईद मुबारक, खुश रहें, आबाद रहें, शादाब रहें। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर अगर देखें कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ से पहले हम यहाँ पर देख लेंगे कि जो मेरिट लिस्ट होती है ये क्या होती है। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। देखिए, मेरिट लिस्ट में हर उस स्टूडेंट का नाम होता है जिसने रजिस्ट्रेशन की होगी, ठीक, हर उस स्टूडेंट का नाम होता है। इसमें यह नहीं होता कि जो सिलेक्ट हुआ होगा, ठीक, ये आप क्लियर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे हम एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसमें लगभग 600 पेजेस का यह नोटिफिकेशन है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। एक पेज पे लगभग 50 के आसपास स्टूडेंट हैं। इसमें अगर आप फिर 50 × 600 कर लोगे तो वो हो जाता है 30,000+ कैंडिडेट्स। इतने कैंडिडेट्स ने यहाँ पर अप्लाई नहीं किया। आप इस कन्फ्यूजन को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए क्या है कि आपको वहाँ पर ऑप्शन दिया गया था अप टू टेन कोर्सेज का वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया था कि आप कम से कम एक कोर्स चूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 कोर्स चूज़ करें। उसमें जो स्टूडेंट्स, अब एक कोर्स तो किसी ने चूज़ नहीं किया, हर स्टूडेंट ने 5 कोर्सेज, किसी ने 6 कोर्सेज, किसी ने 3 कोर्सेज चूज़ किए। तो मेरिट लिस्ट जो होगी, ये आपकी मेरिट लिस्ट जो बनी है ये आपको कोर्स वाइज बनी है, सब्जेक्ट वाइज बनी है। आपने अगर 5 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर फॉर्म फिलअप किया है तो आपको 5 सब्जेक्ट्स में आपका नाम होगा। जियोग्राफी में आपने भरा होगा तो जियोग्राफी में भी आपका नाम होगा। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में भरा होगा, उसका भी वहाँ पे आपका नाम होगा। वहाँ पे भी फिजिक्स में भरा, उसमें भी नाम होगा। ओवरऑल जितने यहाँ पे आप पेजेस देख रहे हो, इसमें कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे जितने आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, जितने आपने चूज़ किए होंगे, उन सारे सब्जेक्ट्स में आपका नाम होगा। हर स्टूडेंट ने 5-5, 6-6 सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं, तो इसीलिए इतनी लंबी मेरिट लिस्ट बनी है। तो इस कन्फ्यूजन में आप नहीं रहना कि 30,000 अगर स्टूडेंट्स हो रहे हैं तो सीट्स यहाँ पर कम है तो कट ऑफ कितना हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स का है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल से हमें बताया, पता नहीं कहाँ से वो सुन रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, अगर ज्योग्राफी में 40 सीट्स हैं, ठीक, एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूँ। कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले इस पॉइंट को आप क्लियर कर दीजिए। अगर इस ज्योग्राफी में 40 सीट्स हैं तो कट ऑफ इस हिसाब से होगा, जो इस 40 में पहले फॉल करते हैं उनको सिलेक्शन हो जाएगी। चलिए ये माना हमने, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करेंगे पोलिटिकल साइंस की, पोलिटिकल साइंस में 50 सीट्स हैं तो पहले 50 जो होते हैं उनको सिलेक्शन हो जाएगी। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर, इसका कट ऑफ डिस्कस करना ये सबसे मुश्किल है, क्योंकि आज कल से मैं देख रहा था कट ऑफ के बारे में, काफ़ी मैंने इसके बारे में रिसर्च की, बहुत मुश्किल हो रहा है कट ऑफ बनाना। इंटीग्रेटेड का मैंने बनाया लेकिन काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम लगा और बहुत मुश्किल हुआ उसमें कट ऑफ बनाना। तो यहाँ पे कट ऑफ के बारे में कोई भी नहीं कह सकता। जो ये ऐसा कन्फ्यूजन है आपको, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बोला, जितने आपने सब्जेक्ट्स चूज़ किए होंगे उनमें आपका नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल अब अगर किसी स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट्स चूज़ किए, उसमें उसके 5 के 5 सब्जेक्ट्स में नाम है, उसके मार्क जो है फॉर एग्जाम्पल 490 के आसपास उसके मार्क्स हैं, तो 5 के 5 सब्जेक्ट्स में वो टॉप 20 में आता है। अब ये तो नहीं है कि उसके 5 के 5 सब्जेक्ट्स में एडमिशन होगा, नहीं, उसको एक सब्जेक्ट में एडमिशन होगा काउंसलिंग में, तो एक सब्जेक्ट में बाकी के 4 या 5 जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके कट ऑफ में अगर वो आता भी है तो उनको छोड़ना पड़ेगा। और कट ऑफ धीरे धीरे फिर वहाँ पर अगर 40 सीटें हैं तो वो कट ऑफ नीचे आता जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले 40 जो स्टूडेंट हैं उनको सिलेक्शन हो जाएगी, दूसरे सब्जेक्ट में पहले 40 जो स्टूडेंट हैं उनके सिलेक्शन हो जाएगी, पहले 20 या 30 में आते हैं 490 वाले तो 490 तो कट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो फिर ज़ाया नहीं करेंगे। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, इस कन्फ्यूजन को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पर कट ऑफ को जानने से पहले आपने जानना है कि इनटेक कैपेसिटी किस सब्जेक्ट की कितनी है। जब आपको इनटेक कैपेसिटी समझ आ जाएगी फिर आप उसी हिसाब से अपना वहाँ पे रैंक चेक करना। अगर 50 एक सब्जेक्ट की जो है इनटेक कैपेसिटी है, अगर उस सब्जेक्ट की रैंक में आप लगभग 100 के आसपास तक आते हो तो आप मान के चलना आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस है। ओवरऑल जो कट ऑफ है वो कोई भी इसका डिस्कस नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है और बहुत टफ है ये कट ऑफ डिस्कस करना, क्योंकि 500+ पेजेस हैं, उनमें फिर देखना किसके कितने मार्क्स
मार्क्स हैं, इसको लगभग 5 से 6 दिन लग सकता है। कट ऑफ कोई अभी डिस्कस नहीं करता, कट ऑफ क्लस्टर यूनिवर्सिटी का डिस्कस करना बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और कट ऑफ के बारे में कोई कह भी नहीं सकता है। सेफ स्कोर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से ब्रांच में कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट्स वैकेंट हैं, उससे आपको जो है कट ऑफ के बारे में थोड़ी नॉलेज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले मेडिकल के स्टूडेंट्स का। यहाँ पे मेडिकल के स्टूडेंट्स की अलग सीट्स हैं, अलग सब्जेक्ट्स हैं। आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स की अलग हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स की अलग हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप वन बाय वन। इस PDF को पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको खुद डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको समझा देता हूँ। बॉटनी की अगर आप देखें, इसमें 480 टोटल सीट्स हैं, 4-5 कॉलेजेस हैं। उनमें कॉलेज वाइज मैंने डिस्कस नहीं किया, मैंने टोटल सीट्स डिस्कस की। कॉलेज वाइज अगर मैं डिस्कस करता वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगर टाइम मिला तो कॉलेज वाइज भी हम डिस्कस करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री में 130 है, बायोटेक्नोलॉजी में 50 सीट्स हैं मेडिकल वालों के लिए, केमिस्ट्री में 680 सीट्स हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में 140, EVS में 300, ज्योग्राफी में 120, जियोलॉजी में 120, होम साइंस में 200, मैथ्स में 60, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 80, फिजिक्स में 160 और जूलॉजी में 420। ये है मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए सीट मैट्रिक्स। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैंने शेयर किया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं हम आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की। अरबिक में अगर आप देखेंगे 140 होगा, इंग्लिश में अगर आप देखेंगे 240 होगा। इंग्लिश लिटरेचर में सीट जो है 120 है, इकोनॉमिक्स में 280 है, एजुकेशन में 380 है, ज्योग्राफी में 30 है आर्ट्स वालों के लिए, मेडिकल वालों के लिए यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे कल अलग अलग है, आर्ट्स वालों के लिए अलग सीट्स हैं, मेडिकल वालों के लिए अलग हैं। कन्फ्यूज़ मत होना, दो दो बार मैंने ज्योग्राफी बोला, कन्फ्यूज़ इसमें मत होना। हिस्ट्री में यहाँ पे 280 है, मीडिया स्टडीज़ में 50 है, म्यूज़िक में 80 है, इस्लामिक स्टडीज़ में 40, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 120, उसके बाद टूर एंड ट्रेवल मैनेजमेंट में 50, फिलासफी में 110, साइकोलॉजी में 200 सीट्स हैं। यहाँ पे ये 20 P हुआ, ये टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसमें आप जो क्लियर कर देना, ये 200 सीट्स हैं। पॉलिटिकल साइंस में 440 सीट्स हैं, कश्मीरी में 280 हैं, उसके बाद सोशोलॉजी में 440 हैं, सोशल वर्क में 80 हैं, उर्दू में 360 हैं। सब्जेक्ट जो है अब कॉमर्स की स्ट्रीम्स के जो सब्जेक्ट हैं उनमें कितनी सीट्स हैं, देखिए कॉमर्स में दो ही ब्रांचेज यहाँ पे, BBA और कॉमर्स। BBA में 80 सीट्स हैं और कॉमर्स में 540 सीट्स हैं। तो ये है सीट मैट्रिक्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। सेफ स्कोर डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ नेक्स्ट स्टेप अभी आपका क्या रहने वाला है। देखिए अभी आपकी मेरिट लिस्ट आ गई, इसके बाद आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। सिलेक्शन लिस्ट में उन सारे स्टूडेंट्स का नाम होगा जो कट ऑफ में फॉल करेंगे और जो सिलेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पे आपको अपना कोर्स दिया जाएगा, किस कोर्स के कट ऑफ में आप फॉल कर रहे हैं। आपने 5 सब्जेक्ट्स चूज़ किए, 5 में से एक सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा ऑनर्स के लिए। तो वो आने वाले हफ्ते में, अभी तो कल ईद है, ईद के दिन तो नहीं आ जाएगी, आने वाले हफ्ते में पहले इंटीग्रेटेड 5 ईयर की आ जाएगी, देन उसके बाद इसकी आ जाएगी। जो ही वो आ जाएगी हम उसी टाइम आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पर अगर हम सेफ स्कोर की बात करेंगे कि लगभग कितना कट ऑफ हो सकता है, कम से कम आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, आप सेफ समझिए अपने आप को। देखिए जिस भी कैंडिडेट के 80+ मार्क्स हैं, अगर वो ओपन में है तो वो अपने आप को सेफ समझ लेना। ओवरऑल जिसके 80+ मार्क्स हैं उसके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, बाकी जिस ब्रांच में कम सीट्स हैं, किसी में 30 आर्ट्स वालों के लिए अगर आप ज्योग्राफी में देखोगे 30 हैं, तो ऑब्वियसली 30 में जो कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा 80+ हो जाएगा, लेकिन 80+ जो कैंडिडेट होगा वो सेफ स्कोर, वो सेफ जोन में अपने आप को समझे। बाकी कैटेगरी वालों को अगर थोड़े से कम भी मार्क्स हैं, 75 भी अगर हैं, तो वो भी अपने आप को चांस हैं उनके सिलेक्शन होने के, 100% तो नहीं है। बाकी जिसके 80+ हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकता है, 90+ जो हैं उनके 100% चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। बाकी टेंशन मतलब कट ऑफ वगैरह कोई भी डिस्कस नहीं कर सकता, कोई भी आपको 100% नहीं बोल सकता। वेट कर लो, कुछ डेज में सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, उसमें क्लियर हो जाएगा कैटेगरी आपकी है, तो अगर आपकी 75% भी है तो भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस है। बाकी जिसकी 60-70 हैं वो भी हो सकता है उसकी भी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मैं उनका बोल रहा हूँ जिनके ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक। बाकी आप सिलेक्शन लिस्ट का वेट कर लो। तो ये था थोड़ी सा कन्फ्यूजन जो आपके थे वो हमने क्लियर कर दिए, होपफुली सारे कन्फ्यूजन कलियर हो गए होंगे। स्टिल कोई कन्फ्यूजन डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।